मेरे भाई, भाई, भाई आगे खोलो भाई, 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 भाई। भाई। मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता भाई, भाई। भाई, भाई। आका, 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 ठीक है, आका, ठीक है, ठीक है, आका। शुक्रिया तुम लोग आ गए। देखो आका को, आका। ये आका का क्या है? ये आका आका? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो अली के भाई बहन और नौकर हो ना? आका, आका, आका! ओए अम्मी! ये क्या? ये क्या? मतलब लोगों के जूते चप्पल चोरी होते हैं, तुम लोगों के तो पांव चोरी हो गए। ये कैसे हो सकता है? या खुदा, इस मछली की शक्ल अली की बहन जैसी क्यों लग रही है? बोला कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये तो हकीकत है। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? मैं वो अम्मी का ध्यान रखना बोलो। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पाँव कहाँ है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा गुल्लू। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ, पर कैसे? जैसे तुम आए थे वैसे ऊपर जाओगे। ये जादुई मरहम गुल्लू और आका के छोटे मोटे जख्म भर देगा। शुरुआती इलाज तो चाचा ने कर दिया है, पर इन्हें पूरी तरह से सही बुलबुल चाचा की दवाई ही कर सकती है। तुम तीनों जिन्नो, तीनों के तीनों, या खुदा, जिन जिनको मैंने इंसान समझा वो इंसान नहीं जिन निकले। एक बात बता छोटे, तुम सचमुच के जिन हो, जैसे कहानियों में होते हैं वैसे वाले? नहीं, जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। दोबारा बोल। जैसे असली जिंदगी में होते हैं वैसे वाले जिन। शक्ल से बच्चे और आवाज से मेरे चप्पल चोर अब्बू के नानू के खालू जितनी उम्र के बुजुर्ग लग रहे हो। या खुदा, मुझे लगता है कि मेरे कान खराब हो गए हैं या फिर मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या, क्या तुम तीनों से मुझे डरना चाहिए? देखो, दिमाग तो कह रहा है हाँ, पर दिल कह रहा है ना। तुम तीनों क्या कहते हो? सच कि हम तीनों इनकी टोली है, कि हमारे लिए इनसे बढ़कर इस पूरी कायनात में कुछ नहीं है। ये नहीं तो हम तीनों नहीं,
बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारे अली साहब, उनका क्या होगा? तुम तीनों मुस्कुरा कर रहे हो। क्योंकि हमें मुस्कुराने का 1500 साल का तजुर्बा है, बाकी तुम अपने छोटे से दिमाग से धीरे धीरे सोच लेना, सब समझ आ जाएगा। भाई मेरा भाई अलादीन। इसका मतलब भाई मेरा भाई अलादीन ही तुम्हारे अली साहब है। वाह 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 वाह, जल्दी समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया, बहुत जल्दी समझ आ गया उल्लू। हा? मेरा मतलब गुल्लू। सुबह भी होने वाली है, महल में हमारी गैर हाजिरी की वजह से किसी को भी हम पर शक हो सकता है। हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर कैसे? तुम तीनों के तो पाँव ही नहीं है। बिना पाँव के कैसे चल के जाओगे? मेरा मतलब है कि देखो ना भाई, मेरे भाई की हालत कैसी है, ऐसे में इन्हें हम महल कैसे लेके जाएंगे? आका भाई, भाई आ आ भाई, कालीन पर। कालीन? आज एक गुनाहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने देती? आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूं। आज सबके सामने साबित हो गया है कि मेरा बेटा ही बादशाह सलामत का कातिल था, और बादशाह सलामत के कातिल की अमन के नसीब में शहजादी की खातिर करना नहीं हो सकता, सिर्फ लानत होती। नहीं खाला, किसी और की गलती की सजा हम आपको लेने नहीं देंगे। आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं खाला। और क्या आपके दिल को वाकई लगता है कि अलादीन अब्बू का? मेरा दिल आज तक यही कहता रहा शहजादी, कि मेरा अलादीन किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, पर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके बाद मेरा दिल सहम गया है, चुप हो गया। अब वो कुछ नहीं कहता, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अपने बेटे की मोहब्बत में ये मां अंधी हो गई थी, पर अब मुझे सब दिखाई दे रहा है, सच सबके सामने आ गया है शहजादी, आपके सामने, मेरे सामने, और मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकती। मैं चलती हूँ शहजादी। खाला, बेटे की मोहब्बत में खाला सच से दूर हो गई, तो क्या बेटी भी अपने अब्बू की मोहब्बत में सच से दूर हो गई? जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूं। क्या इस पूरे किस्से में ऐसा कोई राज है जो अब भी हमसे छुपा हुआ है?
अब्बू को अम्मी के सामने लट्टू की तरह घुमा दे। या अल्लाह मुझे बचा ले। गुल्लू तुम आंखें खोल सकते हो, सब ठीक है। अच्छा आज तुमने हमारे आका की जान बचाकर हम तीनों पर बहुत बड़ा एहसान किया है गुल्लू। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उस बुराई की जादुई आग जिसमें आज कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी भलाई, सच्चाई और मासूमियत की वजह से बुझ गई। उस आग को किसी और ने नहीं, तुमने बुझाया है गुलबदन। सच गुल्लू, आज तक हम सिर्फ आका की टोली थे, पर आज से तुम्हारी भी है। मेरा बाप कमीना, मेरी बीवी भोली, मिल गई मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टोली। मेरे पास टोली है और अब भाई मेरा भाई भी। हार नहीं मानूंगा, उस ससुर को हराऊंगा। एक बात कहूं, आज तक जब सबको सर्दी में ठंड लगती थी, मुझे डर लगता था। सुबह उठकर सबको भूख लगती थी, मुझे डर ही लगता था। खुशियों के मौके पर जब सब लोग एक दूसरे के गले लगते थे, मुझे सिर्फ डर ही लगता था। लेकिन आज आज पहली बार मुझे किसी भी बात से डर नहीं लग रहा। भाई मेरे भाई, पिछले एक बरस में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बताओगे? कमरे को तो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। शहजादी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, और आप ये क्या ढूंढ रही हैं? मैं नहीं पता पिद्दी, आप ठीक तो हैं? नहीं, और कल रात जो हुआ वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब पिद्दी, अलादीन की रूह ने हमसे कहा था कि उसने अब्बू को मुच्छड़ के हुले से बाहर आते हुए, यानी मुच्छड़ की नकली दाढ़ी निकालते हुए देखा था, जिसके बाद उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन जो हमने कल रात देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था पिति। हमने अब्बू को मुच्छड़ के हुले में देखा तक नहीं, और अब्बू की चाल ढाल, आवाज सब मुच्छड़ जैसी लग रही थी। क्या? हाँ पिति, और अलादीन ने हमें बताया था कि उसे बाद में जाके पता चला कि अब्बू पे तो मुच्छड़ के जिन्ने काबू किया हुआ था। तभी तो जिस तरीके से वो अलादीन पर हमला कर रहे थे, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, जिस तरीके से वो अलादीन से बात कर रहे थे, सब बहुत अजीब था। नहीं, अब्बू ऐसा कर ही नहीं सकते हैं पिद्दी। कल रात हमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। तो फिर सच क्या है? पता नहीं पिद्दी, पर हम पता जल्द ही लगाएंगे। कल रात से अली साहब बड़े गुमसुम लग रहे हैं।
उसके बाद ना वो मिले हैं और ना उनके घर वाले। हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या जफर ही मुच्छड़ है और बादशाह सलामत का कत्ल जफर ने किया है? आका हम महल पहुंचने वाले हैं। अली साहब, उल्लू परेशान हो रहा होगा। हम उसके पास जाकर उसको सब बता के आका के लिए मरहम लेके जल्द से जल्द वापस आते हैं। ये कहाँ गया? आ जाएगा, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, अली साहब, अली साहब क्या सोए पड़े हैं? अली साहब, अरे अब उठिए भी अली साहब, उठिए भी अली साहब। अली साहब, अरे अब उठिए भी अली साहब, उठिए भी अली साहब। बखूब बखूब, आपके शौक भी हमारी तरह हैं। हम भी जूता पहन कर सुनते लेकिन कमीज उतारते नहीं। अंगूठी छाप? मुझे क्या पता था कि कमीना जफर रजाई छीन लेगा। तुम्हारी तरह मैं भी जिन हूँ, थक गया हूँ। अब थकावट में जैसा वहम बना सकता था बना दिया। ये क्या? भाई मेरा भाई वहां भी और भाई मेरा भाई यहाँ भी। या अल्लाह, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वजीर आला, सच तो ये है कि मैं अभी सोया ही नहीं। अंगूठी छाप? क्या बोले जा रहा है ये जी? क्योंकि मैं अपने यार की जीत की जश्न की तैयारी कर रहा था। बेहतरीन, हम जीत गए दोस्त, हम जीत गए। गले लग जाओ इसी। वो यह ना वजीर आला, मैं दो दिन से नहाया नहीं, लेकिन फिर भी आप गले लगना चाहते हैं तो आइए। हाँ नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। लेकिन हाँ, अब मैं आपकी जीत की खुशी में नहाऊंगा। और वजीर आला, आपको मैं क्या बताऊं कि आपके लिए मैंने कितनी बेहतरीन तैयारी की है जश्न की। आप जानते नहीं हैं वजीर आला, आपके जश्न के लिए हमने शायर तुर्की से, नाचने वाले फारस से मंगवाए और जादूगर खास मिस्र से बुलवाए। और बताइए हमें, और बताइए क्या तैयारियां की आपने? अरे वजीर आला, सब अभी बता देंगे। तो फिर जश्न में क्या देखेंगे?
आप हमारे सच्चे दोस्त हैं अली साहब। चलिए हम जश्न के लिए तैयार होकर आते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। जी जी बिल्कुल। नहा कर भाई। मेरे भाई अभी तबीयत कैसी है, दर्द तो नहीं हो रहा? आका आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मुझे आराम की जरूरत नहीं, सफर को सबक सिखाने की जरूरत है। आज रात दीन की रूह सफर से मिलेगी। आज रात इस हालत में कैसे? कोई गड़बड़ हो गई तो? जितनी गड़बड़ होनी थी हो चुकी, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं तो फिर घबराना किस बात का। आज रात अलादीन की रूह सफर से मिलेगी।